नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों को। 8 दिन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं आप सभी 12 राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में। खतरा तो है। 16, 17 और 18 तारीख को विष दोष बनेगा। विष दोष शनि और चंद्रमा मिलकर बनाते हैं। विष दोष खतरनाक दोष है। फिर 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मृत्यु पंचक होगा। तो अगर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख तक के दिनों को गिनें तो ये 8 दिन। देखिए, शनि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। 8 नंबर यानी शनि का नंबर। विष दोष शनि के द्वारा बन रहा है। मृत्यु पंचक भी इस बार शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको मृत्यु पंचक का नाम दिया गया, यानी कि काफी ज्यादा कष्टकारी समय, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। शनि चंद्र का विष दोष बनेगा। शनि लंगड़े हैं, कुरूप है, सांवले हैं और चंद्रमा एक सुंदर स्त्री है, रूपवान है, गतिशील है, दोनों का मेल नहीं है। एक लंगड़े व्यक्ति का और एक सही व्यक्ति जिसकी स्पीड अलग हो और उसकी स्पीड अलग हो, तो उसका मेल नहीं। जैसे साइकिल और कार का कोई मेल नहीं है, साइकिल और स्कूटर का कोई मेल नहीं है, उसकी और उसकी स्पीड में फर्क है। तो ऐसे ही आपके जीवन में ये कुछ वक्त गड़बड़ी पैदा कर सकता है। वैसे तो गुरु और चंद्र का गज केशी योग भी बन रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब अशुभ योग बन रहा हो तो शुभ योग भी कम असर दिखाते हैं। और वैसे भी 16, 17, 18 तारीख को जो गज केशी योग बनेगा उसमें देव गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में होंगे, शनि के साथ होंगे और वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव नाम मात्र का ही होगा। तो हमें संभलने की आवश्यकता हर तरीके से पड़ने वाली है। आप मेष राशि के हों, वृषभ के हों, मिथुन के हों, या आपकी कोई भी राशि हो, तुला हो, कन्या हो, कुंभ हो, मीन हो, कोई भी राशि हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, संभलने की आवश्यकता है। सभी को बचकर चलना है। विष का अर्थ होता है जहर। विष जब भी जीवन में घुल जाए तो तबाही आ जाती है। दूध में जरा सी कोई कड़वी चीज पड़ जाए, खट्टी चीज पड़ जाए तो दूध फट जाता है। ऐसे ही ये विष दोष आपके जीवन में बहुत तनाव ला सकता है, रिश्तों पे तनाव ला सकता है, बहुत बहुत आपको नुकसान हो सकता है, शरीर में आलस आ सकता है, पैसों की तंगी आ सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, बीमारियां बढ़ सकती है, कार्यों में रुकावट आ सकती है, दो दिल जो है उनमें जहर पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, दो दोस्त जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे अब दुश्मन बन जाए, ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है वही आपको धोखा दे दे, सगे संबंधी आपको ठग ले, जिनको आप अपना मानते थे वही परेशान करने लगे, पीठ पीछे शत्रु वार करने लगे। विष दोष के दौरान सभी राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि खतरा इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आप पर झूठे इल्जाम लग सकते हैं, आप पे आरोप लग सकते हैं, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। नौकरी व्यापार में सावधानी रखें, रिश्तों में सावधानी रखें, घर में सावधानी रखें, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में वाद विवाद बहुत नीचे के स्तर पर जा सकते हैं, जहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग हो सकता है, दुर्घटना के योग हैं, झूठे आरोप के योग हैं, चोरी बीमारी के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो सकती है, कोई गलत फैसला कर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, चालान कट सकता है, कोई डील करते समय आपसे कोई गलती हो जाए, गलत जगह पर सिग्नेचर कर दें या ठीक से कागजों को पढ़े नहीं और ऐसे ही अनजाने में साइन कर दें, तो बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। लोग आपकी जो सीधापन है उसका फायदा उठा सकते हैं, लोग आपको ठग सकते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। अब हर राशि वालों के लिए हर एक भाव में ये विष दोष बनेगा, किसी का लग्न में बनेगा, किसी का द्वितीय भाव में बनेगा, तो सबको उसी प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी मैंने आपको बातें बताई, आपको इन सब चीजों से बचना होगा, ये भी हो सकता है।
पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, पैसे खो सकते हैं, चोरी हो सकता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं चोर ने पर्स चुरा लिया, यात्रा कर रहे हैं पता चला कि सामान चोरी हो गया, बहुत कुछ खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। अब जल्दबाजी में काम मत करिएगा, इन 8 दिनों में जल्दबाजी में काम मत करिएगा। और अगर आप कोई कर्म को अपने बुरे करते हैं तो फिर तो आपको और परेशानी हो जाएगी। जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, उनके लिए परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, बाकियों को भी सावधान रहना हो। 18 तारीख से मृत्यु पंचक बनेगा, जब भी मृत्यु पंचक शनिवार से बने तो वो खतरनाक होता है। ऐसे में कोई नया काम नहीं करना है, कोई नया शुभारंभ नहीं करना है, गाड़ी नहीं लेनी है, बंगले का उद्घाटन नहीं करना है, मकान की नींव नहीं रखनी है, बच्चे का एडमिशन नहीं कराना है, बच्चे का नामकरण नहीं करना है, घर में या दुकान में कोई शुभ काम नहीं करना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। यात्रा से बचें, नई डील करने से बचें। राजनेता हैं तो अपनी कुर्सी पर बैठने का आपको मौका मिलता है इन दिनों में, तो थोड़ा टाल दें, आगे पीछे कर दें। बड़े बड़े जो फैसले हैं इन 5 दिनों के लिए आपको टाल देने चाहिए, 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। बाकी अगर आप 16 से टाल दें तो और ही बेहतर है। शादी की कोई बात पक्की ना करें, कोई घर में शुभ मान लीजिए किसी का मुंडन है, जन्मदिन है, तो उसको सेलिब्रेट ना करें। मुंडन 4 दिन बाद करा लीजिएगा, अगले मुहूर्त में करा लीजिएगा। गृह प्रवेश 10 दिन बाद या अगला मुहूर्त पे करा लीजिएगा। मोटरसाइकिल कार इत्यादि कुछ दिनों बाद खरीद लीजिएगा, इन दिनों में ना खरीदें। किसी को पैसा वैसा उधार मत दीजिएगा, कोई लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। तो बहुत सावधान आपको रहना होगा 16 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में। और अगर आपने गलती कर दी फिर होगा क्या कि आपने कहीं पैसा निवेश कर दिया म्यूचुअल फंड में, शेयर में या कहीं पर भी, तो पैसा फंस जाएगा। बाद में पता चला जहां पे लगाया था वो कंपनी डूब गई या बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गई या लोग पैसा लेकर भाग गए, जिस घर में गए वहां पे सुख नहीं मिल रहा है, जो वाहन खरीदा था रोज उसके एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर इस मृत्यु पंचक में खरीदी हुई चीज को बाद में फिर पूजा पाठ करा के इस दोष से मुक्ति पाई जाए, तो डबल खर्चा। पहले तो गलती करी, नुकसान झेला, फिर उस नुकसान को दूर करने के लिए फिर पूजा पाठ कराइए, ये करिए वो करिए, तो इससे अच्छा है काम ही मत करिए कोई। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा। अब पंचक है तो है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये तो ईश्वर की एक संरचना का एक छोटा सा नमूना है कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा। तो बस हम बच सकते हैं, संभल सकते हैं और अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में और कुछ भी नहीं है। गलतियां करेंगे तो सजा मिलेगी। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब हो, शनि की स्थिति खराब हो, तो इन दिनों में भारी तबाही भी आ सकती है। विष दोष है तो रात्रि में दूध वगैरह का सेवन ना करें, सफ़ेद चीज़ों का सेवन ना करें, बंगाली मिठाई ना खाएं, नहीं तो तकलीफ होगी। आप गलती करेंगे तो भी तकलीफ होगी, आप गलती नहीं करेंगे तब भी वक्त आपके पक्ष में नहीं है। तो हमें बचना है, बचना है, हर हाल में बचना है। कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई भूल चूक ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, भगवान शंकर को जलाभिषेक करिए, दूध और पानी मिलाकर चढ़ाइए, पतली धार बनाकर चढ़ाइए, इससे लाभ होगा। जितना मंदिर जाकर पूजा करेंगे, जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर जितनी पूजा करेंगे उतना आपको लाभ होगा। जाइए वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए शिव जी पर, फिर भी आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन संभल कर रहना है, इतना आसान नहीं है ये वक्त। ये 8 दिन सभी राशि वालों पर भारी पड़ सकते हैं, संभलने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई महत्वपूर्ण काम इन दिनों में होना है तो या तो पहले कर लें या फिर बाद में करें, यही मैं सलाह दूंगा। बाकी हनुमान जी की उपासना करने से भी आपको लाभ होगा और शिव जी की उपासना करने से भी लाभ होगा। अपनी माता जी के चरण स्पर्श करके अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो इससे भी लाभ होगा। और मांसाहार, शराब पीना, गलत संगति में जाना, नशा करना किसी भी प्रकार का आपको तबाही के द्वार पर लेकर चला जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं, अब बता दिया है तो अलर्ट हो जाइए।
मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपके जीवन में ना आए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट पहले से चल रहा है तो उसको सही करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये मृत्यु पंचक और ये विष दोष आप पर कितना प्रभाव डालेगा आपकी राशि के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर, इसके लिए भी आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली की जांच करा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अच्छा भी एक मिनट में होता है या उससे भी कम समय में होता है, और बुरा भी एक मिनट या उससे कम समय में होता है। तो ये इंतज़ार मत करिएगा कि ये मृत्यु पंचक, ये विष दोष किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं, ये सभी के लिए है। सबको सावधान रहना है, उम्र छोटी हो बड़ी हो, महिला हो या पुरुष हो। उपाय करें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।